व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवा। इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं शानदार क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कल वीडियो के एंड में पूछा था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मैंने पूछा था 2+2 डायलॉग के बारे में, तो क्या है ये 2+2 डायलॉग? देखिए, 2+2 डायलॉग की अगर आप लोगों को हिस्ट्री बताऊं तो जापान इस तरीके के डायलॉग किया करता था ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर दूसरी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। कौन होता है इस 2+2 डायलॉग में? 2+2 डायलॉग में डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और यहां से निकल के आता है 2+2 डायलॉग। मतलब हमारी कंट्री के भी दोनों डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और दूसरी कंट्री के भी दोनों डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डायरेक्टली मिलकर बातें करते हैं। अभी हमने ये 2+2 डायलॉग जापान के साथ में किया करते थे, पर लेकिन अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये 2+2 डायलॉग स्टार्ट कर दिया है यूएसए के साथ मिलकर भी। अभी 6 जुलाई 2018 में यहां पर दोनों मिलने वाले हैं, इंडियन के दोनों मिनिस्टर और यहां पर यूएसए के दोनों मिनिस्टर यूएसए में मिलने वाले हैं, जहां पर दोनों मिलकर बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो दोनों आमने सामने होंगे दोनों कंट्री के। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है यहां पर कि हमारी कंट्री में कौन डिफेंस मिनिस्टर और कौन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, और इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिलेगी दोनों वुमेन है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को दोनों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया यहां पर डी। ओके, आइए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं ये। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आप लोगों को आंसर देना होता है। आज भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, और वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए। भले ही 0 क्यों ना मिले हो मार्क्स, आप लोगों को बताने जरूर हो, क्योंकि यहीं से आप लोगों के लिए मोटिवेशन निकल कर आएगा और आप लोग अच्छे से परफॉर्म करने के बारे में सोचेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि पोर्ट के ऊपर काफी फोकस देकर चल रही है हमारी गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोर्ट, ये नो ओनली इस तरह की चीजें आप लोग जरूर फोकस किया कीजिए, बे ऑफ बंगाल में नहीं है, ठीक है? तो ये बात बोली जा रही है। तो कौन सा पोर्ट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में नहीं है? पहला बात की जा रही है मोंगला पोर्ट, दूसरा पारादीप पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, टुटिकोरिन और चितगोंग, ठीक है? तो ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये वाला पोर्ट आप लोगों को नजर आएगा बांग्लादेश में, ठीक है? बांग्लादेश कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया बांग्लादेश, यहाँ पर ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी, ठीक है? अब आप लोग थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो पहला हो गया यहाँ पर बांग्लादेश यानी कि बे ऑफ बंगाल, दूसरा पारादीप, ये उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल में। ओके, अगला पोर्ट कौन सा है यहाँ पर? ये है यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में, और गुजरात कहां पर पड़ता है? गुजरात आप लोगों को देखने को मिलेगा अरेबियन सी, ये देख सकते हैं यहां पर, ठीक है? तो यहां पर ये क्या हो गया, इसका मतलब तीसरा तो नहीं है। टुटिकोरिन, ये आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु कहां पर पड़ता है? सदर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया तमिलनाडु, यहां पर आप लोगों को ये लोकेशन देखने को मिलेगी। तीसरा जो फिफ्थ जो पोर्ट है ये चितगोंग पोर्ट भी आप लोगों को बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। ये भी यहां पर हो गया बांग्लादेश में, तो ये भी यहां पर कहां हो गया और ये भी यहां पर कहां हो गया? बे ऑफ बंगाल में। तो कहने का मतलब क्या है कि ओनली मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, ये यहां पर गलत आंसर है, बाकी और सारे सही है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? यही आंसर हो गया, नोट पूछा है, बाकी के सारे बे ऑफ बंगाल में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कई बार यहां पर न्यूज में रहती है चाबार पोर्ट के बारे में बातें। तो बात की जा रही है चाबार पोर्ट के बारे में, दो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि ये लोकेटेड कहां पर है। गल्फ ऑफ ओमन, पहला बोला गया गल्फ ऑफ ओमन में लोकेटेड है। तो यहां पर अभी लोकेशन देखेंगे, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर कि ये ऑपरेटेड किया जाता है इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, आईपीजीपीएल के द्वारा यहां पर ऑपरेटेड किया जाता है। क्या ये कंपनी इसको ऑपरेट करती है इंडिया की साइड से? जी हाँ। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमन, ईरान हो गया यहां पर, ईरान के नीचे आप लोग आएंगे, गल्फ ऑफ ओमन आप लोग देखते हैं, और यहां पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है? ये आप लोग देखते हैं यहां पर पर्शियन गल्फ हो गया, और यहां पर इधर आएंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया। ओके, तो गल्फ ऑफ ओमन ईरान के जस्ट नीचे इस पोर्ट को यहां पर डेवलप कर रहा है इंडिया, और यहां पर गवादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान में चाइना के द्वारा, ठीक है? तो काफी इंपोर्टेंस है इस पोर्ट की, अगर हम लोग अपने लिए देखेंगे। इंपोर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग यहां से इस पोर्ट से होते हुए अगर हम लोग यहां पर अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं, तजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पर ये जो सेंट्रल एरिया में अगर हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी काफी फायदा पहुंचा सकता है। तो इसलिए कई बार ये न्यूज में रहता है, ठीक है? आंसर सी है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम की वीडियो आप लोगों ने अगर देखी होगी पॉलिटिक, तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे। बात की जा रही है यहां पर कंपलसरी प्रोविजन के बारे में, तो एक तो कंपलसरी प्रोविजन देखने को मिलेंगे और दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर वॉलेंट्री प्रोविजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपलसरी का मतलब है कि इनको मानना ही मानना पड़ेगा जो कंपलसरी प्रोविजन है, पर जो वॉलेंट्री प्रोविजन है वो यहां पर डिपेंड करता है, माने या ना माने अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया। पंचायती राज सिस्टम के तहत 29 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 29 एरिया है जिसमें हमारी पंचायत काम करती है, और 1992 में ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके तहत यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहां पर कौन सा चीज, कौन सी कंपलसरी प्रोविजन है। तो यहां पर ऑल थ्री लेवल पर, विलेज, इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों को पता है पंचायत हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कुछ एरिया में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परमानेंट बना दिया गया तीनों लेवल पर, कुछ में दो लेवल पर, और कई जगह चार लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग खुद देखिएगा आप लोगों के स्टेट, आप लोगों के एरिया में कौन से कितने लेवल की पंचायत है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पर, यही बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट में कितने लेवल की पंचायत है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है यहां पर कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया उसने बताया कि वुमेन को पंचायत में ऑल थ्री लेवल पर यहां पर रिजर्वेशन होना चाहिए। किसके लिए? चेयरपर्सन के लिए। क्या बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैकवर्ड क्लासेज इन पंचायत ऑल थ्री लेवल, यहां पर भी चेयरमैन के लिए यहां पर ये इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं, ये बैकवर्ड क्लासेज नहीं है, यहां पर एससी और एसटी है, ठीक है ना। अगर यहां पर एससी और एसटी लिख दिया जाता तो स्टेटमेंट सही हो जाती, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर वॉलेंट्री प्रोविजन में देखने को मिलेगी, ये कंपलसरी नहीं है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी यहां पर कंपलसरी प्रोविजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी कोई परमानेंट नहीं है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ही है बस स्टेट, यहां पर पंचायत की, यहां पर सेंट्रल की पार्लियामेंट की भी बात की जाती है, ठीक है। पर लेकिन वो दोनों प्रोविजन भी यहां पर आप लोगों को वॉलेंट्री प्रोविजन देखने को मिलेंगे, ना कि कंपलसरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत हो गई, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बाकी डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पंचायती राज सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं, काफी शानदार तरीके से दो पार्ट में मैंने डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन किया था, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ओके। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब तक ब्रिटेन के कंट्रोल में आर्मी, नेवी, ये सारी चीजें उनके कंट्रोल में थी, तब तक वो काफी शानदार तरीके से हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। पर लेकिन जैसे यहां पर नेवी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उस टाइम पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन को लगा कि अब उनके जो बिस्तरे समेटने का दिन आ गया है। तो यहां पर रॉयल इंडियन नेवी बोला जाता था उस टाइम पर, इंडियन नेवी जो कि आज किट में बोलते हैं हम लोग, उस टाइम पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया यहां पर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेजर सेंटर क्या क्या हुआ करते थे, ये है क्वेश्चन। तो मेजर सेंटर यहां पे दो थे, एक तो था बॉम्बे और दूसरा था कराची। तो बॉम्बे, यहां पर बॉम्बे में पहले प्रोटेस्ट हुआ और फिर यहां पर वो प्रोटेस्ट कराची तक पहुंचा, ठीक है। और यहां पर कराची सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, जो कि आज किट में आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलता है। लोकेशन भी आप लोग निहार सकते हैं कराची की, ये देख सकते हैं यहां पर हो गया कराची, ऊपर पाकिस्तानी हो गया कराची, और दूसरा आप लोग यहां पर मुंबई, जिसको आज के डेट में हम लोग मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे बोला करते थे। तो ये मेजर पोर्ट हुआ करते थे यहां पर, जहां पर हमारी इंडियन नेवी, जो कि आज के डेट में बोलते हैं, उस टाइम पर रॉयल नेवी बोला जाता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आंसर है यहां पर ए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछे जाएंगे, एसएससी बैंकिंग में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है। एक हाइपोथेटिकल वे में आप लोगों से बातें पूछी जाती है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या अगर वर्ल्ड में हर एक कंट्री फॉसिल फ्यूल से दूर हट जाए, यानी कि जो भी यहां पर पेट्रोल या क्रूड ऑयल वगैरह जो यूज करते हैं, मिट्टी का तेल, डीजल, इनसे दूर हो जाए और सब कंट्री यहां पर यूज करने लगे क्या रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी एनर्जी यहां पर यूज करने लगे, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जैसे कि ओपेक है। ओपेक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज की डेट में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने की जो कंट्री है, उनका ये सेंटर है यहां पर। लगभग अगर आप लोग वर्ल्ड में देखेंगे 50% से ज्यादा जो पेट्रोल एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हीं कंट्री के द्वारा किया जाता है। इसका गठन किया गया था 1965 में, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडक्वार्टर वहां पर नहीं है, जो ये कंट्री है, कंट्री सारी अलग है, पर लेकिन हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और मेंबर कौन है? ईरान, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इराक, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और भी कई सारे मेंबर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। तो अगर ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए यहां पर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देकर चले, तो बोला जा रहा है कि पावर जो कि आज के डेट में मिडिल ईस्ट में है, तो कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? मिडिल ईस्ट का जब यहां नाम लिया जाता है तो आप लोग इस वाले पोर्शन को बोल सकते हैं। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप लोग देखते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहां पर सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये मिडिल ईस्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग कर्सर घूमता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया की बात की जाती है, तो यहां पर आज के डेट में पावर सेंटर है। तो यहां पर अगर ये
अगर हम लोग फोकस करने लगे किस पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, फोसिल फ्यूल से हटके, तो पावर सेंटर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर को ढंग से सुनते होंगे, आप लोग न्यूज वगैरह सुनते होंगे अच्छे से, आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर एक तरीके से दे सकते हैं। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में पता होगा, क्वेश्चन हालांकि टफ है, इतना आसान नहीं है आंसर देना, पर फिर भी आप लोग आंसर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर है इसका, क्या है आंसर इसका, इसका आंसर है बी। बी क्या है यहां पर, यह है सेंट्रल अफ्रीका और यहां पर दूसरा कौन सा है, साउथ अमेरिका। आप लोगों को अगर मैप में दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, जूम आउट करते हैं थोड़ा, ये यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया यहां पर साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका को अगर आप लोग देखेंगे, रिसोर्सेज का भंडार है पहली बात तो ये, और अगर आप लोग थोड़ा भी इनके बारे में जानते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है बहुत ज्यादा फोकस देकर यहां पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से बीचों बीच यहां पर क्या जा रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास दुनिया भर की सोलर एनर्जी आप लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दिया जाएगा तो इससे शानदार अफ्रीका कॉन्टिनेंट से शानदार सोलर एनर्जी किसी और एरिया में प्रोड्यूस की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है यहां पर बीचों बीच पड़ती है। तो इसलिए सबसे बड़ा सेंटर का यहां पर कौन होगा, एक तो सेंट्रल अफ्रीका आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, और दूसरा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को अगर आप लोग देखेंगे विंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे शानदार कंट्री कौन होगा, साउथ अमेरिका सबसे शानदार कंट्री होगा। तो आप लोग अगर ज्योग्राफिक लोकेशन में थोड़ा फोकस डालते हैं तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर, बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड के साथ में यहां पर आंसर इस तरीके का पूछा जा सकता है, क्योंकि G7 जो था वो काफी न्यूज में था, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये एस्टेब्लिश कब की गई थी, तो कोई सा भी यहां पर आंसर नहीं है। आंसर यहां पर G7 की सबमिट हुई थी 1989 में पेरिस में, तो उस टाइम पर यहां पर फाइनेंशियल टास्क फोर्स बनाई गई थी। और क्या था इसका रीजन बनाने का, रीजन ये था मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, और इस तरीके की जो एक्टिविटी की जाती थी खासकर टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो मनी यूज की जाती थी, उन सबको रोकने के लिए यहां पर ये निकल के आया था फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ताकि इस तरीके की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आंसर क्या आएगा यहां पर निकलकर, आंसर इसका निकल के आएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है चिल्ड्रन के बारे में। तो जो बच्चे देखिए जो पैदा होते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक उनकी हेल्थ के लिए माने जाते हैं, वो माने जाते हैं स्टार्टिंग के जो 28 दिन होते हैं, स्टार्टिंग के जो 28 दिन होते हैं मैक्सिमम बच्चों की डेथ उसमें हो जाती है, या फिर आगे चल के अंडर फाइव से अगर क्रॉस हो जाते हैं बच्चे, तो फिर यहां पर ये डेथ का खतरा ये दूर हो जाता है लगभग, पर लेकिन जो स्टार्टिंग के 28 दिन होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं। तो यूनिसेफ के द्वारा, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसने एवरी चाइल्ड अलाइव एक ग्लोबल कंपेन चलाया। ये ग्लोबल कंपेन क्या था, ये ग्लोबल कंपेन ये था कि अलग अलग कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी, बिजनेसमैन, या फिर जो हेल्थ को कंट्रोल करके रखती हैं वो वाली मिनिस्ट्रियां, या फिर जो भी यहां पर पार्टिसिपेट करता है वो सब पार्टिसिपेट करें, और जो बच्चे यहां पर मारे जाते हैं, जो बच्चे मारे जाते हैं उनको जिंदा रखा जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि अगर हेल्थ के रीजन की वजह से किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो आंसर है यहां पर एंड द न्यू बॉर्न डेथ, ठीक है ना, जो नए बच्चों की डेथ होती है किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, तो ये प्रोग्राम चलाया गया यूनिसेफ के द्वारा। तो देखिए अगर ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, और जो गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं फोर्स होगी अगर ऐसे प्रोग्राम आएंगे निकल के कि वो कुछ काम करें और यहां पर जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन करने का यहां पर कुछ सोचें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, 11 दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क में इसका देखने को मिलेगा, और इसको इसके अलावा इसको जो स्टार्टिंग में क्रिएट किया गया था उस टाइम पर इसको बोला जाता था यूनाइटेड नेशन इंटरनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये वर्ड था उस टाइम पर, लेकिन आज की डेट में जो नाम हो गया वो शॉर्ट में हो गया, पर लेकिन जो इसका एक्रोनिम है वो ऐसे ही रहा। यहां पर बोला जाता है इसको यूनिसेफ, जिसका मतलब क्या था, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोग पता याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो न्यूज में रहती है और यहां पर उसको पुकारा जाता है रिपब्लिक ऑफ एनजीओ, मतलब बहुत सारी एनजीओ जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर वर्क करती हुई नजर आती है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है। तो आंसर है यहां पर ए। देखिए यहां पर ये आप लोगों को एक आइलैंड नजर आएगा, अगर आप लोग लोकेशन देखेंगे ये देख सकते हैं हेताई, यहां पर ये लोकेशन आप लोग यहां पर अगर इसको जूम आउट करके दिखाया जाए तो ये वाला एरिया हो गया, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां पर आप लोग देखेंगे अगर यहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होते हुए आप लोग यहां ऊपर हो गया अमेरिका, यहां पर मेक्सिको हो गया, ये हो गया ग्वाटेमाला, ये हो गया क्यूबा, और ये हो गया यहां पर प्यूर्टो रिका, ठीक है रिको। तो यहां पर इसको अगर जूम किया जाएगा तो जूम करने के बाद में इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये हो गया क्या हेती। तो यहां पर आप लोग लोकेशन जो देखेंगे ये एक आइलैंड है, तो यहां पर कई बार अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीजें आती रहती हैं, तो बहुत सारी एनजीओ यहां पर वर्क करती हैं, इसलिए यहां पर न्यूज में रहता है और इसको रिपब्लिक ऑफ एनजीओ भी बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा ही आप लोगों यहां पर नजर आएगा। बात की जा रही है यहां पर फ्रजाइल 5, मतलब जो काफी डामाडोल इकोनॉमी आप लोग बोल सकते हैं, तो कुछ ऐसे टर्म यहां पर यूज की जा रही थी और ये टर्म निकल कर आई थी 2013 में। उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी, तो इसलिए यहां पर ये टर्म यूज की गई थी। कई सारे स्कैम हमारी कंट्री में हो गए थे, कांग्रेस के ड्यूरेशन की बात आप लोग बोल सकते हैं, तो कई सारी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही थी। तो फ्रजाइल 5, 5 कंट्री ऐसी थी जिनकी इकोनॉमी काफी फ्रजाइल बोली जा रही थी, वो कौन कौन सी कंट्री थी? तो यहां पर है ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका, तीन तो कंट्री आप लोगों के सामने है। इसके साथ में इंडिया भी यहां पर पार्ट है, जी हाँ इंडिया, और दूसरा हो गया यहां पर टर्की। तो टोटल मिला के 5 कंट्री हैं जो फ्रजाइल 5 का आप लोग नाम याद रखते हैं, रसिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर 1, 3 एंड 4, और ये दो कंट्री और ऐड कर दीजिएगा यहां पर आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया एंड तुर्की, ठीक है। तो जैसे भी आप लोग चाहें यहां पर याद रख सकते हैं, आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गैलकेनिस गैस फील्ड के बारे में बात की जा रही है, काफी न्यूज में रहता है। न्यूज में क्यों रहता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं एक टर्म के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा, यह है TAPI, तापी, तापी गैस पाइपलाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तापी की फुल फॉर्म, एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है यहां पर इसकी? यह तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, चार कंट्री मिलकर यहां पर तापी गैस पाइपलाइन बनाती है, जिसके तहत यहां पर ये जो है गैलकेनिस जो गैस फील्ड है ये आप लोगों को नजर आएगा तुर्कमेनिस्तान में। तो तुर्कमेनिस्तान से होती हुई ये गैस पाइपलाइन इंडिया में पहुंचने वाली है, और माना जा रहा है कि 2020 तक यहां पर ये कंप्लीट ऑपरेशनल होगी। वैसे नॉर्मली तो बोला जा रहा है कि 19 तक हो जाएगी, पर 2020 तक भी हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत फायदा ये पहुंचाने वाली है, ठीक है। एक बार आप लोग यहां पर मैप में निहार सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है, ताकि आप लोग कनेक्ट यहां पर कर सकें इसके। तो ये देख सकते हैं यहां पर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये चार कंट्री यहां पर इसके साथ में मिलकर यहां पर काम करने वाली है, जो काम करने वाली नहीं है, काम कर रही है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा जूम करके, ओके। तो ये चार कंट्री हैं जिनमें ये पाइपलाइन रहेगी, और यहां पर गैस फील्ड जो है यहां पर जिसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है वो है तुर्कमेनिस्तान में, ओके। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन भी देखिए यहां पर तो डिफरेंट पूछा गया है, नियरेस्ट पूछा है कि किसके नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट किसके है? नियरेस्ट आप लोग देखते हैं अफगानिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान के पास में क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से थोड़ा सा अलग तरीके से घुमाकर पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप लोग को इस तरीके के आइडिया होना चाहिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज न हो। और जाते जाते आप लोगों के लिए है शानदार क्वेश्चन, मिलन 2018 रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि किससे रिलेटेड ये है, ये टर्म किससे रिलेटेड है, क्या कोई मिसाइल है, क्या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, आखिर क्या है ये, तो आप लोगों को इसके बारे में बताना है। काफी न्यूज में थी, बताऊंगा कल डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दिया कीजिए, और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि सबको फायदा हो जाए। सारे लिंक आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इंजॉय किया कीजिए चीजों को, और आंसर जरूर दिया कीजिए, और अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।